अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंट्री टेस्ट के हवाले से इंग्लिश के एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको बर वक्त मौसूल हो सके। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाइल यूके हैज़ अर्न्ड रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर डैश वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स। सो नीचे आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो इसका बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट स्टिल लैक्स। अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइक्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अन्ना और तानिया दो हैं और ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डे का यूज़ होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। ऑप्शन ए है सो, ऑप्शन बी है सच, ऑप्शन सी है टू एंड ऑप्शन नंबर डी है दैट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी टू, न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। If I have money, I dash it tomorrow. So ये basically conditional sentence है और इसके जो option है option number A है will purchase, option number B है would purchase, option number C है have purchased and option number D है have purchased. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि tomorrow है, tomorrow का मतलब future की बात हो रही है तो future के साथ हमेशा will का use होता है। तो इसका जो right answer है वो है option number A, will purchase. Canon had dash unique qualities, dash it was used widely in ancient times. Option number A is such that, option number B is such so, option number C is that since and option number D is that. तो इसका जो right answer है वो है option number A, such that. She succeeded by dash hard. Option A is work, option B is working, option C is continuous work, option D is continuous working. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग। शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। सिनोनिम ऑफ ट्रेंड क्वालिटी। सिनोनिम हम उसे कहते हैं जो किसी भी वर्ड की सेम मीनिंग निकालने वाले वर्ड को सिनोनिम कहा जाता है। तो जो ट्रेंड क्वालिटी है उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो ट्रेंड क्वालिटी की जो मीनिंग होती है वो होती है सुकून, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बैलेंस, ऑप्शन बी है पेशेंस, ऑप्शन सी कॉल्मनेस एंड ऑप्शन डी है ब्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉल्मनेस, क्योंकि कॉल्मनेस की जो मीनिंग है वो भी सुकून होती है और ट्रेंड क्वालिटी की जो मीनिंग है वो भी सुकून ही होती है। सिनोनिम ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का हमें सिनोनिम बताना है और फ्लक्स की जो मीनिंग है वो है बहना, कोई भी चीज़ लगातार बहती रहे उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूस फ्लो। एंटोनिम ऑफ इनर्ट इज, पहले जो हम बता रहे थे वो सिनोनिम बता रहे थे यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड बता रहे थे, अब हम बता रहे हैं एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रुथ, ऑप्शन बी है हेट, ऑप्शन सी है एग्री, ऑप्शन डी है एक्टिव। तो इनर्ट का जो मतलब होता है वो होता है सुस्त और जो ऑप्शन डी है एक्टिव उसका मतलब होता है चुस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव। एंटोनिम ऑफ एग्रीजियस। एग्रीजियस का हमें एंटोनिम बताना है और एग्रीजियस की जो मीनिंग है वो है खास। ऑप्शन ए है ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी है स्कैंट, ऑप्शन सी है वर्थी एंड ऑप्शन नंबर डी एडमायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी की जो मीनिंग है वो है आम और एग्रीजियस की जो मीनिंग है वो है खास। आई एंजॉय डैश टेनिस। ऑप्शन नंबर ए है टू प्ले, ऑप्शन नंबर बी है प्लेज, ऑप्शन नंबर सी है प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी है टू प्लेइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेइंग। आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड डैश बसेस। ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी है बाय, ऑप्शन सी है फ्रॉम एंड ऑप्शन डी है इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाय। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड बाय बसेस। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डैश 8 to 7। ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है बिटवीन एंड ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7। द मेन डिश यू मीट इज एन एनोचर पर्सन। ऑप्शन ए है हु, ऑप्शन बी है हुज, ऑप्शन सी है होम एंड ऑप्शन डी है वाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, होम।
The woman dash is standing by the table works in the electronic media. Option number A है who, option number B है whose, option number C है whom and option number D है while. तो इसका जो right answer है वो है option number A who. He is looking for accommodation dash in flat or shared house. Option number A है both, option number B है until, option number C है neither and option number D है either. तो इसका जो right answer है वो है option number D either. You can go neither by train dash by bus. Option number A है no, option number B है nor, option number C है or, option number D है and. तो इसका जो right answer है वो है option number B nor. You can go neither by train nor by bus. Before designing a public park, the architect must dash the public. Option number A consider, option number B considers, option number C recognize, option number D recognizes. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कंसीडर. व्हेन शी वाज यंगर शी डैश 5 किलोमीटर्स अ डे. ऑप्शन नंबर ए है वॉक्ड, ऑप्शन नंबर बी है हैड वॉक्ड, ऑप्शन नंबर सी हैज बीन वॉकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी हैड बीन वॉकिंग. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए व्हेन शी वाज यंगर शी वॉक्ड 5 किलोमीटर्स अ डे. वी नीड टू फाइंड डैश मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर ए है अदर, ऑप्शन नंबर बी है द अदर, ऑप्शन नंबर सी है एनोदर एंड ऑप्शन नंबर डी है अदर्स. तो इसका जो राइट आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना और स्क्रीन पे आपको जो वीडियो शो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपने लाजमी वॉच करना है. मिलेंगे किसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.